नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस महानगर। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। मुंबई से सटे ठाणे के कलवा इलाके में स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल द्वारा एक बार फिर चर्चा में है। वजह, अस्पताल में बीते एक महीने में 21 नवजात शिशुओं की मौत है। गौरतलब है कि इसी अस्पताल में साल 2023 के अगस्त में एक दिन में 18 मरीजों की मौत हो गई थी और एक बार फिर 30 दिन के अंदर 21 नवजात शिशुओं की मौत का मामला गर्मा गया है। अस्पताल प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक 21 नवजात शिशुओं की मौत के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। अक्सर यहां गर्भवती महिलाओं को ठाणे, अलहास नगर, कल्याण, अंबरनाथ, बदलापुर, करजत, खपोली, जवाहर, मोखड़ा, भिवंडी, मुरबाड़ जैसे इलाकों से गंभीर हालत में रेफर किया जाता है। प्रशासन की ओर से कहा गया है कि अस्पताल में डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चे की डिलीवरी सही से करवाई जाए, लेकिन अलग अलग कारणों से बच्चों की मौत हो जाती है। बच्चों की मौत को लेकर अस्पताल की तरफ से जानकारी देते हुए कहा गया कि 21 में से 15 बच्चों की डिलीवरी इस अस्पताल में करवाई गई थी, जबकि 6 बच्चों को दूसरे अस्पताल से रेफर किया गया था। 21 में से 19 बच्चों का वजन बेहद कम, यानी कि 1.5 किलो से भी कम था। इनमें से 15 बच्चे ऐसे थे जो प्री टर्म बर्थ थे। दरअसल बीते करीब एक साल से ठाणे जिला अस्पताल के मरम्मत का काम चल रहा है। इसी कारण ठाणे और अस्पताल के इलाकों से बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए कलवा के छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल पहुंचते हैं। नतीजन की अस्पताल के डॉक्टरों और अन्य कर्मचारियों पर मरीजों की देखभाल सही ढंग से करने की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। दूसरी हकीकत यह भी है कि अस्पताल में मरीजों के मुकाबले डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की संख्या में काफी कम है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।